हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके अंदर आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप समझेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, वैसे तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर जिन कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे वो केवल एक थ्योरेटिकल लेक्चर की तरह ही होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल का मतलब ही होता है जब तक आप प्रैक्टिकली करके ना देखें। और प्रैक्टिकली करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वे काम करते हैं, कैसे हम उन्हें और बेटर वे में समझ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन जानेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, लाइन का, एंगल्स का, पैरेलल लाइंस का, जब पॉइंट्स दिए हों, नहीं दिए हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है आपको पता होगा, और इसके जो भी प्रॉपर्टीज होती है, चाहे हम एस 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 क्राइटेरियन की बात करें और फिर बात करें एस एस साइड एंगल साइड की बात करें, इसके अलावा हम बात करें एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया की, तो उन सारे क्राइटेरिया को हम बात करेंगे, यानी कि हम राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, इन सारी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं ना कि बनाएं, तो आपको कुछ बेसिक सी बातें होती हैं जिनको आपको समझना होगा। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी मैं टर्म यूज करूंगा कि अपने कंपास से 4 सेंटीमीटर का ये एक आपको ये लेना है, क्योंकि मैं तो केवल आपको क्वेश्चंस में स्टेप्स बताने वाला हूँ और उन स्टेप्स में ये नाम आएंगे बीच बीच में, कंपास का आएगा, राइट, और पेंसिल का आएगा, शॉर्पनर का आएगा, सेट स्क्वायर्स का आएगा, प्रोट्रैक्टर का आएगा, रूलर ये होता है, पेंसिल्स, राइट, ये होती हैं, सेट स्क्वायर्स ये होते हैं, इरेजर्स ये होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, जब तक आप किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। अगर जैसे मान लीजिए कि आपको सीखना हो एक ट्राइंगल बनाना है, तो ये सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, वो पेंसिल और कंपास की मदद से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अगर कोई एंगल होगा तो उस एंगल को ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का, फिर ए और इसको मिला देंगे तो ये ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल तो बन तो गया, और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो चाहे वो साइड एंगल साइड है, साइड 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 है, या फिर साइड एंगल साइड है, या फिर साइड एंगल साइड है, या फिर एंगल साइड एंगल है, या फिर राइट हाइपोटेन्यूज साइड है। तो इन चीज़ों के बारे में तो हमने ट्राइंगल चैप्टर के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा है, इनके क्राइटेरिया के बारे में भी जाना है, सेम वही कॉन्सेप्ट बट यहाँ पे प्रैक्टिकली होने वाला है। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमें यही बताती है कि जो डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं, चाहे किसी भी एंगल का फॉर्मेशन हो, लाइन सेगमेंट का हो, पैरेलल लाइंस का हो, पॉइंट्स दिए हों, नहीं दिए हों, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना, स्टडी करना, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर आता है। और उसके लिए ये जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होते हैं, इन सब के नेमिंग आपको पता होना चाहिए, ये सबसे पहला काम है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो इन सारी चीज़ों को आप इजिली प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व कर पाओगे, आने वाले एक्सरसाइज के अंदर भी आप देखोगे कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या कोई सजेशन, सुझाव देना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप अपने सुझाव और सजेशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।